जैसे कि मेरे फेवरेट सेगमेंट में हम करते हैं सेलिब्रिटीज से दिल की बातें, तो रोमांस से भी आज करेंगे दिल की बातें। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप अपने दिल की बातें इतनी आसानी से कर सकते होंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश करूंगा सारी बातें कराऊं। देखें, दिल की बात हमेशा ऑनेस्टी के साथ करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और उसमें चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपको ये होना चाहिए, हाँ यार मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये बुरा किया, ये मेरा डिसीजन था। तो उसको आपको लेके चलना चाहिए, तो आप तभी कामयाब इंसान बनते हैं। तो बुरे डिसीजंस कब कब लिए जिंदगी में? आई थिंक के ऐसा इतने ज़्यादा बुरे डिसीजन नहीं है, लेकिन ये है कि सर्टेन लेवल पे कुछ ऐसे डिसीजन हो जाते हैं इंसान से कि जहाँ आपको थोड़ा सा लोग जो है वो डिच कर जाते हैं, आपको धोखा दे जाते हैं, और फिर पता लगता है यार, रियलाइज होता है नहीं, ये डिसीजन मेरा गलत था जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ी, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ दोस्तों यारों ने भी ऐसा कुछ किया, और प्लस कुछ अपने क्रिकेट के रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई। तो ज़ाहिर है जिस मेरा क्रिकेट से ताल्लुक है, तो इस वजह से मैं क्रिकेट के साथ बात ज़्यादा करता हूँ। पर्सनल लाइफ में मेरा मिलना जुलना बहुत पहले था, सब लोगों से मेरे दोस्त यार बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब मुझ पर बड़ा टाइम आया 2018 में, जब मेरा नी का प्रॉब्लम हुआ PSL में, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मैंने कितनी चीज़ें अपनी लाइफ में गलत करी, जिसकी वजह से अब मुझे नोट हुआ कि यार कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे बुरे टाइम पे खड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ एक दो ही दोस्त काम आते हैं जो आज तक अब वो मेरे साथ हैं, और उनको मैं बहुत कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। तो आई थिंक कि आपको रियलाइज़ होता है बुरे टाइम में कि आपका कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो क्रिकेट की दुनिया में कितनी दोस्तियाँ बनाई? हाँ, क्रिकेट की दुनिया में मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से मैं कोई कभी लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, और दोस्ती सबसे अलहमदुल्ला, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनसे बहुत ख़ास दोस्ती है। उसकी रीज़न ये है कि सरफराज अहमद की अगर मैं बात करूँ, तो मैं और सैफी भाई सिंस जब मैंने क्लब क्रिकेट ज्वाइन की थी, तब से मैं उन्हीं के क्लब में खेल रहा हूँ, और वो उस क्लब का पहले से ही पार्ट थे, और मैं सारी रमज़ान क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट और तमाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो खेला हूँ कराची से, वो सरफराज भाई की कप्तानी में खेला हूँ। तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरे फैमिली टर्म्स काफ़ी अच्छे हैं। आपकी और सरफराज की यूनिक बात क्या है, आपकी दोस्ती की कौन सी वो बात है? मेरी और सरफराज भाई की यूनिक बात ये कि अगर मैं एक साल भी उनसे नहीं मिलूंगा ना, और हम जब एक दूसरे से मिलेंगे, तो लगेगा कि हम यार रोज मिलते हैं। और कौन दोस्त बनाए? और शादाब बहुत अच्छा दोस्त है, फहीम अशरफ बहुत अच्छा दोस्त है, इमाद वसीम से काफी अच्छी दोस्ती है मेरी, और अजहर अली से बहुत अच्छी दोस्ती है, असद शफीक से बहुत अच्छी दोस्ती है। इस तरह तो मैं नहीं, क्योंकि उसकी रीजन है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये सारे लड़के वो हैं जिनके साथ मैं क्रिकेट बहुत खेला हूँ, और जब आप ज्यादा किसी के साथ बैठते उठते हैं तो दोस्ती हो ही जाती है, लेकिन बिल्कुल होती है, लेकिन ये कि दुश्मन का तब पता चलता है कि जब वो पीछे से वार करता है। लेकिन मेरे साथ अल्लाह का शुक्र अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और अल्लाह ही ना करे कि कभी किसी के साथ हो। नहीं, क्रिकेट की फील्ड में कभी नहीं हुआ। मैं आज तक क्रिकेट की टीम से पाकिस्तान या डोमेस्टिक में जब भी बाहर हुआ हूँ, अपनी गलती की वजह से हुआ हूँ कि मैंने या तो अपनी फिटनेस पे काम नहीं किया या फिर मुझे कोई इंजरी हो गई। जब आपने पैसे वैसे कमाने शुरू किए, तो सबसे पहले किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए? जी, मेरा गाड़ियों का बहुत शौक है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोई जब मैं खेला हूँ PSL पाकिस्तान से, तो मैं हर 2-3 महीने के बाद गाड़ी चेंज करता था। मोहब्बत हुई आपको? मोहब्बत तो देखें हमें क्या बताऊँ, सबको ही होती है, और लाइफ में जाहिर है इंसान, जब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पसंद इंसान की होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पसंद आपको मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पसंद नहीं मिलती है, तो मुझे नहीं मिली। और उसके बाद फिर मैंने यही डिसीजन लिया, मैंने कहा यार हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो और इसको लाइफ को मूव ऑन करना चाहिए। फिर अम्मी अब्बू से मैंने यही कहा कि जब जहाँ आप बोलेंगे वहाँ मैं इंशाल्लाह। जैसे गुस्से में बोला था, जब सब जहाँ बोलोगे वहाँ कर लूँगा। नहीं नहीं, जो गुस्सा था वो सब निकाल दिया। अच्छा, तो जो गुस्सा था तो क्या होता था? रात को नींद नहीं आती थी, क्रिकेट खेलने का दिल नहीं करता था, या ज़्यादा छक्के? नहीं, और आप बिलीव करें कि जब ये चीज़ हैपन हुई थी मेरी लाइफ में, तो उस वक्त रमज़ान क्रिकेट का फीवर आपको पता है हमारे कराची में कितना टॉप होता है, तो मतलब मैं बड़ा फंसा हुआ था कि यार एक तरफ ये हो गया मेरे साथ, एक तरफ मुझे शो भी नहीं करना कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो बड़ा मुश्किल टाइम था वो, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, अल्लाह ने काफ़ी उसमें हिम्मत दी मुझे कि मैं इस चीज़ को जब रात में लेटता था तो यार सोचता था यार ये क्या हो गया, और फिर जब अगले दिन उठ के जाता तो यार मुझे मैच पर ही फोकस करना है। तो वो जो चीज़ें थी ना, उस चीज़ों ने लाइफ में बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, तो बेगम के साथ कैसा रिलेशनशिप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कितना टाइम लगा जरा जेलन होने में, दोस्ती बनाने में? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया कि वो हाफिज़ा हैं, तो मैंने पर्सनली दिल से ये कहा कि यार एक चीज अच्छी है कि यार माशाल्लाह, वैसे तो माशाल्लाह एक हाफ़िज़ा का होना घर में आना वो बहुत बड़ी बात होती है। बेगम के साथ साथ मुझे भी जन्नत मिल जाएगी। हम लोग कभी ऐसी बैठे होते तो ये बात हो रही होती है यार जन्नत में नाम ले लेना मेरा और मुझे अंदर ले लेना सीधा सीधा। हां, तो वो कभी कहती है ऐसा ना करना, वरना देख लो ऊपर जाके मैंने नहीं बोला। तो ऐसा ही है, और फिर ये कि अंडरस्टैंडिंग देखें टाइम के साथ ही होती है, चाहे आप जितना भी किसी को क्लोज जान लो या आप कोई बिल्कुल ही अरेंज हो जाओ, लेकिन ये कि आपको टाइम लगता है। जब मैं इंजर्ड हुआ
तो उनकी फिक्र बढ़ गई और फिक्र बढ़ गई तो उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस दी तो मेरा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो गया। वक्त भी था तो साथ बैठना हर चीज में करना, अम्मी और वाइफ ने बहुत मेरा साथ दिया। आप लोग कहाँ के रहने वाले? वैसे अक्सर लोग कहते हैं पिंडी से हैं आप, इस्लामाबाद से हैं। नहीं, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैं इस्लामाबाद वाली साइड का हूँ, क्योंकि मैं PSL में सिर्फ इस्लामाबाद से खेला हूँ, 5 साल है, ऐसा लगता है मेरी घर की टीम है। तो लोग समझते हैं कि शायद यार ये इस्लामाबाद साइड का, लेकिन मैं कराची बॉर्न हूँ। मेरी पैदाइश सेक्टर 11I नॉर्थ कराची में हुई। 21 साल में वहीं रहा। मैंने अपने क्रिकेट करियर का आगाज भी वहीं से किया और गली महल्ले में खेलते 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 फिर लोगों को अब्बू को कन्वेंस किया कि ये क्रिकेटर अच्छा है, इसमें टैलेंट है, इसको आप जाने दें, इसको हार्ड बॉल खिलाएं। अच्छा, तो कौन सा सबसे क्रेजी मैसेज आया किसी फीमेल फैन का? देखिये, मैं आपको शादी के बाद तक इससे बताता हूँ कि मेरी शादी हुई और रिसेंटली तकरीबन उसके कोई 1.5-2 महीने के बाद जब मैं वर्ल्ड 11 किसी से खेला था तो मैं लाहौर में था, मेरे पास मैसेज आया कि आपकी शादी हो चुकी है, आई नो बट स्टिल आई लव यू और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं एक मिनट के लिए साइलेंट हो गया। मैंने कहा मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, नहीं मैं दूसरी भी करना चाहती हूँ तो आप कर सकते हैं। तो शादीशुदा इंसान को मोहब्बत नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, इस्लाम में 4 जायज़ है। हाँ, तो फिर क्यों आपने ये वो कितनी गलत बात है? नहीं, मैंने गलत बात नहीं बोली। हाँ। मैं तो साइलेंट हो गया, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, साइलेंट मैं साइलेंट पे चला गया। मैंने कहा इतने भी लोग क्रेजी होते हैं। तो आपने ना भी नहीं बोला और हाँ भी नहीं बोला? नहीं, मैंने ना कह दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता। हाँ, पहले साइलेंट हुआ था, फिर मैंने ना बोली। मैं नहीं चाहता कि यार कि कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे किसी फैन का दिल दुख जाए, डिसअपॉइंट हो जाए, तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी तो किसी के फैन है। मैं किसके फैन है? आप मैं किसका फैन हूँ? एक होती है मायरा खान, हमने सुना है कुछ। हाँ, वो नॉर्मल टीवी शो में रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर में इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का। तो आप कहते हैं कि उनका काम मुझे पसंद है, उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो जिसकी वजह से मुझे वो काम और एक्टिंग बस। हाँ, पर्सनैलिटी भी अच्छी है। अच्छा, खूबसूरत भी है थोड़ी। हाँ, नेचुरल ब्यूटी है माशाल्लाह। आंखें ज्यादा प्यारी है नाक? ओके। क्रिकेटर्स की तो बड़ी शादियाँ दो भी हो जाती हैं अक्सर, तो कोई इम्कान है कि? देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल करें, क्योंकि इस्लाम कहता है। और सबसे देखें, इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका इक्वल रखना हर चीज़ को, जो हमारा इस्लाम कहता है कि बैलेंस रखना, कि अगर आप एक कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, तो उनको बैलेंस होना चाहिए। आपका जो स्टाइल है बड़ा मशहूर स्टाइल है और बड़ी काम आपकी पर्सनैलिटी है, आपका स्टाइल तो हम सबको बहुत पसंद है। आपको किसका स्टाइल पसंद है? किस बॉलर का स्टाइल आपका फेवरेट है? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मैं शायद नाम लूँगा तो आप लोग समझेंगे कि यार ये खुद तो इतना अच्छा एग्रेशन वाला बॉलर पसंद करता है। हाँ। और इसका एक्शन जो है वो बहुत काम है। हाँ। मुझे ऑनेस्टली इस क्रिकेट के एरा में एक तो वसीम भाई का जो 92 वाला एक्शन नहीं था जब वो आउट करके भागे थे। हाँ। और मोइन भाई को उन्होंने ताली मारी थी, एक तो वो, और प्लस मुझे डेन स्टेन का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगता है कि जिस एनर्जी के साथ वो बॉलिंग करने आता है और फिर जब वो आउट करके जिस तरह वो पंप अप होता है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मुझे अपनी भी अच्छी लगती है क्योंकि लोगों को अच्छी लगती है। और उसके पीछे राज ये है कि मैं एक मैच में बॉलिंग कर रहा था और ऑलमोस्ट हम मैच हार रहे थे, तो एक दूसरी अपोनेंट टीम थी, नाम नहीं लूंगा, तो वो लोग ये बहुत ज्यादा ना हम लोगों को वो कर रहे थे कि यार ये टूर्नामेंट बुरा गुजरा है, इनके पास लड़कों का टैलेंट नहीं है। सडनली क्या हुआ कि वो चार मेरे 5 ओवर बाकी थे, मैंने 5 आउट कर दिए और हम 15-20 रन से मैच जीत गए। तो मैं हर आउट करने के बाद ना उनकी तरफ क्यों करके ऐसे खड़ा हो जाता था। हाँ, अभी मैच बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इस तरह करते थे और वो करते करते मैच जीत गए। तो फिर मेरे ड्रेसिंग रूम में लोगों ने उस दिन बहुत अपीशे आया, तुमने क्या सेलिब्रेशन निकाली है कि टांग क्रॉस करके क्यों करके सीरियस खड़े हो जाते हो। तो फिर वो उसके बाद PSL था, फौरन PSL में की, तो लोगों ने उस पर कुछ पहले नेगेटिव फीडबैक दिया कि एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा है ना। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई एटीट्यूड नहीं है। आपको शायद मुझसे बात करके मिल के सबको लगा होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको कब आया जिंदगी में और कैसे आपने गुस्से का इजहार किया? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे साथ अभी जब इंजरी हुई ना मुझे, और जब मेरा 1 महीना बिस्तर पर गुजरा, बेड रेस्ट था मुझे 2 महीने का, और 1 महीने के बाद मैं इतना पागल हो गया था कि कोई मुझे फ़ोन भी करता था ना, और लिटरली अगर आप कहीं से भी पूछवाना चाहें तो मैंने 3 महीने अपना फ़ोन नहीं उठाया इस गुस्से में कि कोई मुझे ये पूछेगा यार तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसे हो। और मैं ये समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन था कि मैंने लोगों को फ़ोन नहीं उठाए, क्योंकि मैं मेंटली बहुत अपसेट था, मैं बिल्कुल साइको हो गया था इस तरह से कि मैं रिटायरमेंट लिख रहा था अपनी। मेरे घर वालों से मैंने बात की, मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं होती उठने की। मैं यकीन करें जब वॉशरूम भी जाना होता था ना, मैं अपनी वाइफ या अम्मी का सहारा लेके वॉशरूम जाता था। और मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि यार अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा, इससे पहले कि मुझे कुछ और मसला हो जाए, मेरी कोई डिस्क टूट जाए, कुछ हो जाए।
तो वो बड़ा बैड टाइम था, उस पर गुस्सा भी बहुत आया, चिड़चिड़ा हो गया था मैं बहुत। कभी टीनेज में पीटा पकड़ के लड़कों को या किसी एक को? दफा हुआ था जब मैं पुराने महल्ले में रहता था। हाँ। तो मुझे ना हाथापाई का मजाक पसंद नहीं है। हाँ। तो उसने क्या किया, उसने पीछे से आके रैंडमली बस ना मुझे गुद्दी पे ऐसी थप्पड़ हाँ। मार दिया। मैं ऐसे ही घुमा और मैंने उसको थप्पड़ मारा, वो गूंज ना चौथी मंजिल के अपार्टमेंट वाली आंटी तक गई। तो उन्होंने कहा रोमान तुमने थप्पड़ मार दिया, तुम तो कभी किसी लड़ते नहीं हो। बोला आंटी सोचा उसने क्या किया, आंटी पीछे से आके कोई रैंडम गुद्दी पे स्पेशली मार दो तो बंदे। बस ये सीन हुआ था। तो लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसने रैंडम मजाक में किया था, तो मुझे असल में हाथापाई का मजाक बर्दाश्त नहीं है, तो जिसकी वजह से मैंने उसको बेचारे को एक थप्पड़ मार दिया था। ओके अच्छा, अब आपके साथ जो है वो रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ करूंगे, आपने बगैर सोचे समझे बस जल्दी जल्दी जवाब देना। मेरा पहला सवाल ये है, अगर ये प्लेयर्स क्रिकेटर ना होते तो आपके ख्याल में कौन से प्रोफेशन में होते, क्या कर रहे होते? ठीक है मिसबाह, चेयरमैन पीसीबी। सरफराज अहमद। सैफी भाई नाथ खान बहुत अच्छे होते हैं। शायद आफरीदी लाला सुपरस्टार, यानी कोई भी आप उनको एक्टर की नज़र देख लें, पर्सनैलिटी जिस तरह की उनकी है तो वो एक्टिंग का रोल बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छे हीरो का। आप किसकी तरह बनना चाहते थे? मेरे आइडियल शुरू से वसीम भाई थे, बिकॉज उसकी रीज़न ये थी कि जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी कि अच्छा सा लंबा सा एक शख्स और उसकी हाइट पर्सनैलिटी बोलना चलना और जिस तरह से वो बॉलिंग करते, तो मैं हमेशा वसीम भाई को बहुत मैंने लाइक किया। तो जब पहली दफ़ा वसीम भाई से मिले थे तो क्या मैं स्पीचलेस हो गया था? क्या हुआ था बताएं ना। पहले मैं स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब PSL 1 में मैं सेलेक्ट हुआ उस वक्त मुझे 104 बुखार था, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, मैं न्यूजीलैंड सीरीज से भी ड्रॉप हो गया था। इसी वजह से मुझे सडनली कॉल आई कि मैं वसीम अकरम बात कर रहा हूँ, आई एम वसीम अकरम और मुबारक को तुम्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक कर लिया। मैंने कहा मजाक का टाइम नहीं, मजाक मत करो, मैंने फोन रख दिया। और लिटरली उसके बाद मुझे दोबारा फोन आया किसी और बंदे का, उन्होंने कहा भाई वसीम भाई बात कर रहे हैं। मैंने कहा ओके, फिर डीन जोन्स ने बात की, मैं समझ गया। मैंने कहा यार ये तो इस्लामाबाद की तरफ से कॉल आई है। हाँ। अच्छा ड्राफ्ट मेरी फैमिली देख रही थी, मैं नहीं देख रहा था क्योंकि मैं सो रहा था, मैं 104 बुखार में था। हाँ। तो फिर मैंने इतनी सॉरी की वसीम भाई से, मैंने कहा सॉरी मैं आपको बिल्कुल जो है ना मुझे पहचानने में नहीं आया, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आप मुझे फ़ोन करेंगे मेरे नंबर पर। तो कहे नहीं नहीं बच्चे तुम्हें बहुत मुबारक हो और हमने तुम्हें पिक किया, बस तैयारी पकड़ो अपनी, आपको फिट रखो, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और जब मैं पहली बार उनसे मिला हूँ ना, तो मैं बता ही सकता मेरा ड्रीम कम ट्रू था कि यार अजब सी अदा है। तो बस ऐसा ही था कि यार मैंने कहा वसीम भाई तो बस आइडियल है मेरे। ओके शोएब अख्तर। कॉमेंटेटर अच्छे होते हैं। फवाद आलम ड्रामा एक्टर बहुत अच्छे होते हैं। सईद अजमल। कॉमेडियन। इन प्लेयर्स की कोई इरिटेटिंग या फनी बात आपने बतानी है, कोई अनोइंग बात जिससे आप चिढ़ जाते हो या बहुत ही कोई फनी बात। हसन अली यार बड़ा एनर्जेटिक लड़का है वो, मुझे उसकी बता रहे हो कोई बुराई करने में अच्छा नहीं लगता, वो बहुत पॉजिटिव है। शादाब जल्दी बहुत सो जाता है। फहीम अशरफ बहुत ज़्यादा फैशन करता है। इमामुल हक बैटिंग बहुत ज़्यादा करता है, यानी नेट पर किसी और को भारी करने का मौका नहीं देता। फ़खर जमान सादगी में ज़िंदगी गुजार रहा है वो। एमएच आज़ाद स्टाइलिश। मोहम्मद आमिर झुकते बहुत अच्छी मारते हैं। अब जो है आपने अपने मुताबिक मुझे बताना है बेस्ट बैट्समैन आपके मुताबिक। विराट कोहली। बेस्ट बॉलर जॉस हेजलवुड। बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। बेस्ट फील्डर जडेजा। बेस्ट कैप्टन मिस बॉलक। बेस्ट कोच गैरी क्रिस्टन। स्टार प्लेयर शाहिद अफरीदी। रियल कॉम्पिटिशन इन पाकिस्तान टीम टू रुमान रईस शाहिन शाह अफरीदी। इन अल्फाज को सुनकर किस प्लेयर का नाम जहन में आता है? जनरेटर हसन अली। अफगान जलेबी इमाद वसीम। लंच में बॉल खाना शाहिद भाई। वाह भाई। फास्टेस्ट यूट्यूब फैंस शुएब अख्तर। सेल्फी बॉय अहमद भाई। मीम सेंसेशन उमर अकमल। घबराना नहीं है इमरान भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बैट्समैन आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं? केन विलियमसन। टेक्निकली बहुत साउंड प्रूफ बैट्समैन है। क्रिकेट के अलावा कौन सा गेम है जो खेलना चाहेंगे? फुटबॉल। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको फिल्म में विलन का किरदार अदा करना चाहिए? मैं खुद ही कर लूंगा। हाँ कौन सा, वैसे कोई बताए ना, संजय दत्त टाइप या? हाँ वास्तव वाला स्टाइल। ओए होए 50 तोला। 50 तो नहीं है सिल्वर तोला है। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा सिंगर है जो प्लेयर्स को गाना गा के आउट करे? अली अजमत, उजैर जसवाल, अली सेठी। अली अजमत। कौन सी हीरोइन विमेन टीम की कैप्टन भी हो सकती है? मीरा, नीलम मुनीर, महविश हयात। ओके अभी उन्होंने रिसेंटली जरा एक वो ना चैलेंज चल रहा है आजकल। आप भी बनाए ना, वो क्यों नहीं बना रहे? नहीं मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है क्योंकि स्टिल अभी हमें
एक्टिविटी भी करनी है तो हम लोग कुछ एक्टिवेशन ऐसी कर रहे हैं कि मेरे पास सोशल मीडिया यूज करने का बिल्कुल टाइम नहीं है इस तरह की चीजें। चले अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताते, आप लोग वापस आए और आप लोग को दिखाते हैं हम कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। चले भागते हैं। अच्छा जी फिजा, तो मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आया था कि जो मैंने आपको बताया था कि हम चलते हैं जगह पे, तो वो ये जगह है जहाँ मैं आपको लाना चाह रहा था। और हमने एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया था राशन बांटने का, और हमारा सिलसिला ही ऐसे शुरू हुआ कि हम चाहते थे कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो नीडी फैमिलीज हैं, जो इस लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, तो हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम खुद पैकिंग कर रहे हैं, खुद सामान उतरवा रहे हैं और यहाँ पैकिंग करके फिर हम अपनी गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाते हैं डालकर। तो मतलब हम कोशिश यही करते हैं कि हम डोर टू डोर जो है वो लोगों तक पहुँचें, और ऐसे टाइम पर पहुँचें कि उनकी इज्जत नफ्स पर भी कोई बात ना आए, और उनके क्योंकि सफेद पोश लोग कभी भी मांगते नहीं है, उनको ढूंढना पड़ता है और उनके घरों पे आ जाके आपको देना। सही बात है। टू, आपको कैसे ख्याल आया घर से बाहर निकलने का? ऐसा ही है, मैंने हर अपने इंटरव्यू में जितने मैंने अभी पास्ट में किए या जो मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उसको यही समझाना चाह रहा हूँ कि मैं लेके निकला था 30 बैग्स अपने घर से। बैग्स लेने का मकसद निकल के ये क्या, जो नीडी फैमिलीज थी, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने जानने वाले, मैं उनको देना चाहता था। और जब मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि यार सिर्फ मेरे ही लोग परेशान नहीं है, और भी जो रैंडम लोग हैं वो भी परेशान है, उनकी फैमिलीज में भी बच्चे हैं छोटे जो दूध के लिए भी परेशान है, तो कोशिश यही की दो तीन दोस्तों को इकट्ठा किया कि यार आओ और मिलकर थोड़ा सा सिलसिला शुरू करते हैं। और वो सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि हमने दोस्त यारों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमने राशन तकसीम करना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब जुड़ते चले गए और काम बढ़ता चला गया। फिर इतना हो गया कि माशाल्लाह एक दिन में हम 100-100 बैग राशन जो है वो बांटना शुरू हो गए। अच्छा, तो 5 लाख का आपका बैट किसी ने खरीदा, कौन थे वो? वो जो और फिर वापस भी कर दिया। शो में बैठे हुए थे तो उन्होंने हमें लाइव कॉल पे हमें बोला कि यार आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा अप्रिशिएट किया मेरी पूरी टीम को। और उसके बाद जब हम शो में थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि यार जो आपका क्रिकेट बैट है ना वो मैं आपको खरीदता हूँ, और वो खरीद के 5 लाख रुपए का आपको वो डोनेट करता हूँ, लेकिन आपका जो बैट है वो स्टिल आपके पास है ऑक्शन के लिए, आप उसको री ऑक्शन कर दें, उससे भी जो अमाउंट आए वो फिर आप लोगों की हेल्प में लगाएं। तो हमारे एक नदीम भाई हैं जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के ऑनर हैं और जिनके साथ मैं सारी क्रिकेट खेला उनके क्लब से बचपन से, तो उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है हर लाइफ के हर पल पर, और इस काम में भी उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। इसी तरह हमारे एक अमेरिका से एक भाई हैं, उन्होंने 1,05,000 रुपये की मेरी शर्ट खरीदी पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि मैं आपको डोनेट करता हूँ, मुझे शर्ट नहीं चाहिए, आप ये पैसे लगा दें और आप रिएक्शन में डाल दें। तो आप देखें कि लोगों का दिल कितना बड़ा है हमारे लोगों का, और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो सपोर्ट किया, बहुत थैंक यू उन लोगों का। लवली मीटिंग यू, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज दिन गुजार के। आपकी फैमिली माशाल्लाह देर अमेजिंग, और ये जो आप काम कर रहे हैं करते रहें, और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया, और आप मैं आप लोगों के प्रोग्राम को और आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस देता हूँ, और प्लीज़ स्टे सेफ क्योंकि कोरोना का जो वायरस है, स्टे होम, और कोशिश करें जो प्रिकॉशंस हमारी हैं उसको आप फॉलो करते रहें, हाथ धोते रहें, मास्क यूज़ करें बाहर निकलते हुए, सैनिटाइजर अपनी पॉकेट में रखें, और अपने घर को साफ सुथरा रखें। थैंक यू सो मच। यस, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन अलग होती है और उसका स्ट्रेस अलग होता है, तो सिचुएशन आपको बाद में मारती है, स्ट्रेस पहले मार देता है, तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जो भी चीज़ है उससे मिल के लड़ेंगे। बहुत सारे लोग दुनिया में लड़ भी चुके हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, तो डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मी बीइंग अ प्योर कराचीआइट, वैसे तो पूरी दुनिया में जो है अल्लाह ताला किसी को भी भूखा ना सोने दे, मगर कराची शहर में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा, आई डोंट नो द नंबर्स और वट एवर, बट जो लोग मांगना चाहते हैं, जो लोग नहीं मांगना चाहते, जो मांगते हैं, जो नहीं मांग सकते, हमें सबकी मदद करनी है, हम जितनी भी कर सकते हैं। इस वक्त जितने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं वो आगे भेजें, अल्लाह ताला आप लोगों को और भी पैसे भेजेगा। सो मैं भी अपने लेवल पे जो छोटा मोटा बहुत कुछ कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी जो है वो इस तरह के किसी भी काम में अगर मुलव्वस हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया हो। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड एक नए शो के साथ, कुछ नए सेलिब्रिटीज़ के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं पूरा कराची घूम रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।